ये जो कार्यक्रम है पत्रिका का गेट गेट सेफ गो अभियान है, जिसके जरिए हम अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दौर एक ऐसा दौर आ गया है जहां पर लॉकडाउन है और अब जो दूसरे चरण का लॉकडाउन बढ़कर 3 मई तक हो गया है, तो व्यापारियों को और उद्यमियों को विशेष रूप से परेशानी आ रही है, क्योंकि हम जीवन का संघर्ष जो कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारे उद्योग धंधे और हमारा जो व्यापार है वो कैसे चालू रहे, कैसे हम लोग उसमें आगे बढ़े, इस प्रयास को लेके पत्रिका एक अभियान चला रहा है गेट सेफ गो, ताकि हम वापस से कैसे पटरी पर लौट पाए। इसके लिए हमने आज नर्मदापुरम संभाग के जो 3 जिले हैं, हरदा, बैतूल और होशंगाबाद, वहाँ के चुनिंदा लोगों को और वहाँ के उद्योगपतियों को और वहाँ के इंडस्ट्री के लोगों को से ये ऑनलाइन बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा दौर है कि हम लोग आपके साथ बैठ के इस तरह की चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है। तो ये एक प्रयास है पत्रिका का कि हम लोग आपकी बात को आगे तक पहुंचा पाए, और इसके जरिए जो हम लोग संभागवार जो डिटेल निकाल रहे हैं इसको सरकार को भी अवगत कराएं और सरकार आपकी कोई इस बारे में मदद कर पाए, हेलो। ये हो जाए। हेलो, तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने अपने विचार रखें। तो सबसे पहले उदित जी मेरे साथ हैं, उदित जी एक बार परिचय हो जाए सभी लोग एक एक करके। नमस्कार नमस्कार, मैं उदित माहेश्वरी, जयगिरिराज राइस मिल पिपरिया, रामदेव शुगर मिल नवगढ़ी से। जी और हमारी सबसे पहली जो मांग है सरकार से वो है बिजली के फिक्स बिल, फिक्स चार्जेस जो कंटिन्यू लग रहे हैं उसमें कुछ छूट देनी चाहिए, जो कि हर स्टेट दे चुका है। अभी तक एमपी गवर्नमेंट से कुछ नहीं आया। दूसरा जी चीज इंटरेस्ट को लेके है, इंडस्ट्रियां सारी बंद हैं और अभी हमको इंटरेस्ट का आगे डेट्स बढ़ाई है, बट अभी उन्होंने इंटरेस्ट को माफ भी करना पड़ेगा क्योंकि हमको तो ब्याज लग रहा है और ब्याज करोड़ों में लग रहा है। तो एंड ऑफ द डे ब्याज हमको देना तो है, बैंक को आज दें कल दें या परसों दें या 2 महीने बाद दें या 3 महीने बाद दें, ब्याज तो देना पड़ेगा। अगर हम करोड़ों का ब्याज देंगे बिना इंडस्ट्री चलाए तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। एटलीस्ट सरकार को ब्याज भी माफ करना पड़ेगा किसी भी तरह। तीसरी मांग यह है कि थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्री को चालू करने के लिए लेबर की व्यवस्था और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था दोनों ही अभी बंद चल रही है। इसको स्ट्रीमलाइन करने में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि बिहार की लेबर जा चुकी है, लेबर जा चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां वापस लौट के नहीं आ रही है ड्राइवर्स, और ड्राइवर्स की अनअवेलेबिलिटी को देखते हुए तो इसको भी गवर्नमेंट को बहुत सक्रिय रूप से देखना पड़ेगा कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन को वापस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि स्मूथ वर्किंग स्टार्ट हो सके। मेन मेरे 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। जी उदित जी एक बार अपने व्यापार के बारे में भी बता दें कि आप किस तरह की मेरा शुगर का मैन्युफैक्चरिंग है और राइस, बासमती राइस का मैन्युफैक्चरिंग है और इसका एक्सपोर्ट भी है, राइस राइस बासमती राइस का। जी नहीं, एक एक और चीज जो, चलिए हम दूसरे दौर में करते हैं। जी पांडे जी, हेलो। हाँ जी सर, मैं नमस्कार, जी मैं ब्रज आशीष पांडे यहाँ बैतूल जिला उद्योग संघ का अध्यक्ष हूँ। मेरा खुद का कारोबार जो है वो पार्टिकल बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पार्टिकल बोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग मैं करता हूँ, अभी प्लाईवुड का मैन्युफैक्चरिंग भी करूंगा। मैं अपने संघ की ओर से शासन से 3-4 बिंदु हैं जिन पे की चर्चा करना प्रमुख है, और जहां मैं ये भी समझता हूं कि अकेली मांग करना, मांग के साथ साथ उस मांग की पूर्ति किस तरीके से सरकार कर सकती है, वो तो दोनों चीज एक मतलब सुझाव के रूप में और एक मांग के रूप में मैं रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो हमारा उद्देश्य यह है कि लॉकडाउन हुआ जी और इस लॉकडाउन में सभी उद्योगपतियों ने देश के हित को ध्यान में रखते हुए अपने उद्योग को बंद रख दिया। अब वो बंद रखने के बाद जब वो पुनः स्टार्ट करना है तो एक प्रकार से न्यू स्टार्ट कहलाता है, और किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए न्यू स्टार्ट बड़ा पेनफुल होता है बिकॉज कि उसके अंदर आपको बहुत स्किल लेबर की आवश्यकता होती है, स्टार्ट करने के लिए मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, ये खर्चे हो जाते हैं। जो हमारे भाई ने बताया पहले महेश्वरी जी ने कि इंटरेस्ट का बिंदु है, बिजली के बिल का बिंदु
बिंदु है, ये सब बिंदु तो है ही हमारे साथ में। इसके अलावा मेरा एक बहुत बहुत ही सटीक सुझाव है शासन की ओर, यदि शासन जितने भी एमएसएमई है जो कि केंद्र शासन की सुविधाओं का बहुत कम उपभोग कर पाते हैं, राज्य शासन की कुछ हद तक की सेवाओं का उपभोग कर पाते हैं, उन लोगों के लिए एक इस तरह का फंड का निर्माण करना चाहिए जो वित्तीय संस्था के द्वारा उनके द्वारा स्थापित जो स्थायी पूंजी निवेश है उसका कम से कम 25% की राशि को कम ब्याज दर पे, कम ब्याज दर पे लंबे समय के लिए या लंबी अवधि के लिए, कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए उस राशि को प्रदान किया जाए। इससे शासन के ऊपर किसी भी तरह का लोड नहीं पड़ेगा, केवल वित्तीय संस्थाओं को वो पैसा देना पड़ेगा, उसको चुकाने की गारंटी पूरी उद्योगपति लेगा, पर लंबे समय के होने के कारण वो अपने बिजनेस को, अपने उद्योग को पुनः स्टार्ट कर पाएगा। ये एक बहुत ही सटीक बिंदु है जिसके ऊपर ध्यान देना शासन का बहुत आवश्यक है। इसी के साथ आगे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उदित जी ने बताया कि अपने को बिजली का बिल, साथ में एक जीएसटी एक मैटर है। यदि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर यदि अपने अपने आधे आधे जीएसटी को, तो जो उद्योगपति है उसको कम से कम आधे का फायदा हो जाए, 50% का फायदा हो जाए, वो 50% का फायदा देना चाहिए। इससे भी शासन को सीधे तौर पे कोई नुकसान नहीं है, पैसा उसको देना नहीं है, पर पैसा ना ले ये किया जा सकता है, जिससे कि एक मतलब पुनः आरंभ करने के लिए उद्योग को एक सहूलियत मिल जाएगी। अभी उद्योगपति 4 बड़ी समस्याओं से जूझेगा। सबसे पहली समस्या है शासन के द्वारा निर्धारित करों का समय पूर्ण आपको उसका भुगतान करना है। दूसरा, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है मार्च तक का जो कंज्यूम किया है उसका भुगतान करना। तीसरा है किसी भी प्रकार का जो कार्यशील पूंजी आपने ली है वो कार्यशील पूंजी पे ब्याज निर्धारित है उसको ध्यान देना। आपका यदि ईएमआई है या आपका मंथली या ट्राई मंथ आपको रीपेमेंट जाता है वो रीपेमेंट देना और उसका ब्याज देना। इसके अलावा जो शासन द्वारा चाहा गया है कि उद्योगपतियों को अपने अपने कामगार लोग, तो कामगार यहाँ पे जो एमएसएमई है उनके पास कामगार का अधिकतम हिस्सा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है या टेम्पररी लेबर होता है, उनको भुगतान करना। इन सब के बाद यदि उसको पुनः स्टार्ट करना है तो पुनः स्टार्ट करने के लिए उसको रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के नाम पे बहुत बड़ा खर्चा आता है, वो करना ही पड़ेगा। उसका रॉ मटेरियल की उपलब्धता का लाने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में लॉकडाउन हुआ है जिससे कि बहुत बड़ा व्यापार इफेक्टेड हो गया है, जो अंतिम 8 दिन में व्यापार होता है किसी भी एमएसएमई का वो बहुत बड़ा होता है जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो वो भी इफेक्ट है। और वो जो व्यापार हो चुका मतलब जिसको बेच चुके हैं उसका पैसा भी नहीं आया, तो हमारा अर्थ ये है कि लॉकडाउन पीरियड के अलावा कम से कम 1 मंथ को एक्स्ट्रा पकड़ के यदि शासन शून्य घोषित करता है, तो ब्याज वित्तीय संस्थाओं से माफ हो जाता है। इस समय काम पूरी तरीके से बंद होने के कारण किसी प्रकार का कर का निर्धारण नहीं होता है, तो ये दोनों चीज एमएसएमई को मिल सकती है और उससे एमएसएमई अपने आप को पुनः जीवित कर पाएगी। अन्यथा इस परिस्थिति में बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़े उद्योगपति या बहुत ज्यादा उद्योगपति अपने उद्योग को पुनः चालू नहीं कर पाएंगे। यही मेरी शासन से मंशा और मांग है। जैसे केंद्र शासन के द्वारा जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर कर लगा के एजुकेशन से वसूल किया जाता है, यदि शासन चाहे, केंद्र शासन यदि चाहे तो एक अतिरिक्त कर लगा के केवल एमएसएमई के लिए जो कि वो जीएसटी में योगदान देना चाहते हैं, जो जीएसटी में जो छूट देना चाहते हैं उस छूट को वहां से रिकवर किया जाए, तो बहुत बड़ा हिस्सा जो कि एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या शासन प्रशासन के ऊपर ये आने वाली है कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी,
जी तो उस बेरोजगारी को ना बढ़ने दें और बेरोजगारी को कम करना, कम करने के लिए इन्हीं उद्योगों को आपको वापस चालू कराना जरूरी है और बेरोजगारी कम ना हो इसलिए वो चालू हो जाए वो भी बहुत जरूरी है। तो यदि एक कर लगा दे पेट्रोल और डीजल के ऊपर जिस प्रकार से सेस कर लगाया जाता है प्रतिशत में कुछ 0.1% 0.2% या 0.5%, यदि ये कर लगाया जाए तो वो संपूर्ण भारत वर्ष के ऊपर लागू होता है और वो जो रिकवरी है वो एमएसएमई को दी जाने वाली छूट के लगभग बराबर हो जाए, वो कैलकुलेशन शासन स्तर पे किया जा सकता है, ये मेरा सुझाव है। मैं विपिन अग्रवाल हूँ, हरदा में रहता हूँ और शुगर मिल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ और वर्तमान में बैतूल में कार्यरत हूँ। जी जी। और मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ 4-5 बिंदुओं पे आपका ध्यान सब लोगों का लेना चाहूंगा। जी। अभी वर्तमान दौर जो वैश्विक महामारी का चल रहा है तो सभी एमएसएमई उद्यमी व्यापारी मझोले व्यापारियों के लिए मैं सबसे पहले तो ये निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो हम धैर्य पूर्वक इस युद्ध से निपटें बीमारी के, क्योंकि जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक आप ये भी आकलन नहीं कर पाएंगे कि हम लोगों का व्यापार व्यवसाय आमदनी और नुकसान खर्च ये इसका क्या आकलन होता है। 2 महीने चलेगी ये समस्या, 3 महीने चलेगी, 4 महीने चलेगी, और उसके बाद धैर्य पूर्वक हम शासन से ये बात करें कि पूरे देश का 70% एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई लघु उद्योग मध्यम उद्योग कुटीर उद्योग मझोला व्यापारी छोटा व्यापारी ये सब मिला के देश का 70% एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और उस सबके लिए सबसे बेहतर यह है कि इन पूरे तबके के ऊपर सबसे बड़ी मार 3 बिंदुओं पे पड़ रही है। एक तो प्रत्येक व्यापारी उद्यमी के ऊपर बैंक का ब्याज बाजार का ब्याज की मार चल रही है, व्यापार ठप पड़ा हुआ है और उसके ऊपर ब्याज चल रहा है। दूसरी बात, शासन की मंशा है कि किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं काटी जाए, उसको पूरी तनख्वाह दी जाए, उसके रोजगार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, उसको अनएम्प्लॉय नहीं किया है, तो दूसरी एक समस्या वो चल रही है। तीसरी समस्या ये है कि उद्यम बंद पड़ा है और बिजली के लाखों रुपए के करोड़ों रुपए के बिल जो है वो बिजली बोर्ड हमसे लेने वाला है मिनिमम चार्जेस के। इन तीनों बिंदुओं पर इस आपदा के समाप्त होने के साथ ही शासन अपने स्तर पे पहल करे, हम लोग अपने स्तर पे पहल करें, मीडिया अपना जिम्मेदारी निभाए और इसमें शासन अधिक से अधिक छूट इस वर्ग को दे ताकि देश का रोजगार प्रभावित ना हो, देश का उद्यमी प्रभावित ना हो, देश का व्यापारी प्रभावित ना हो। सुदर्शन सिंह, बैतूल जिला उद्योग संघ का प्रवक्ता हूँ। मैं देख रहा था बहुत देर से, हमारे पांडे जी ने अपनी पूरी बात रख दी है, लेकिन अभी इस समय जब दुनिया के अंदर ये विपत्ति आई है, ये विपत्ति तो प्राकृतिक है, लेकिन ये जो उद्योग धंधे हैं, ये पूर्व से ही नोटबंदी जीएसटी लगाना, जब से पूरे देश के उद्योगपति परेशान है, और इस प्राकृतिक आपदा में हमारी ये मांग है। हाँ जी जैन साहब। यस जी सर। हाँ जी, प्राकृतिक आपदा में हमारी मांग है कि अभी अगर उद्योग भारत के नहीं बचाए गए, भाषण देना ज्ञान देना अलग बात है, और मैं समझता हूं कि देश के हमारे जितने भी राजनेता हैं वो सब समझ रहे हैं, क्योंकि उद्योग बचेंगे तभी देश में व्यापार उपलब्ध। ये मेरा सुझाव है, उसके लिए आप भले बिजली बिल माफ करें, बिजली का मिनिमम चार्ज भी माफ होना चाहिए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं साहब बैतूल से एचआई इंडस्ट्रीज से सलमान पटेल, इकबाल जी पटेल जी का सुपुत्र हूँ। सर मेरा सुझाव यह है कि जो अपना इंडस्ट्री को लेके जीएसटी का जो सामान बताया पांडे जी ने, हमारे उद्योग संघ के अध्यक्ष जी ने, कि जीएसटी का जो स्लैब है फिक्स किया जाए जी। और जीएसटी को लेके हम बड़े चिंतित अभी की स्थिति में जी। इसका कुछ ना कुछ निराकरण किया जाए। सेकंड, जो लेबर का जो कहा गया है कि फैक्ट्री के लेबरों को पेमेंट करना है जी। तो एक छोटा सा उदाहरण था, मेरी इंडस्ट्री है जो पिछले 2 महीने से बंद थी, आइस प्लांट चलाता हूँ मैं, और अभी मेरे को चालू करना की स्थिति थी, पर मेरा प्लांट किसी लॉकडाउन के कारण नहीं चल पाया जी। तो उसमें सर मैं नुकसान में गया, तो मैं कैसे उसका लेबर पेमेंट करूं। मैं जितना हो सके अपने तरफ से तो भी आपसे कर सकता हूं, पर उसके मेरे पास 10 लेबर है, उसका पेमेंट मैं कैसे करूं, उसका सुझाव मैं कैसे लूं, वो मेरे दिमाग के साथ बाहर जा रही है बातें।
तो इसका निवेदन यही है आप लोगों से, सरकार इस बारे में सोचे और इसका कुछ हल निकाले सर। तो ये जो वेयरहाउस वगैरह का काम है हमारा जी, हेलो, हाँ जी, तो हमको जो है कुछ मटेरियल लग रहा है, गवर्नमेंट परमिशन भी दे रही वेयरहाउस को बनाने के लिए जी, तो हमको मटेरियल उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, क्योंकि मटेरियल तो है नहीं हमारे पास। नहीं अभी परमिशन है, अभी पहले लॉकडाउन के पहले चरण में जो है क्योंकि जिंदगी बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण था, अब दूसरे चरण में सरकार जो है इन सब चीजों की ओर ध्यान दे रही है कि कैसे प्रोडक्शन शुरू हो कंपनियों में और कैसे अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौटे, तो ये सरकार को तय करना है। और संभवतः जो है आज जो है ये गाइडलाइन, केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद ये प्रदेश की जो गाइडलाइन है ये कैसे रहेगा, व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी और 3 मई तक कैसे लोगों को आवागमन और कंपनियां फैक्ट्रियां ये चलाने की जो अनुमतियां हैं इसके बारे में आज एक निर्णय होना है, इसके बाद ये चीजें थोड़ी और ज्यादा साफ हो पाएंगी। जी राजीव जी, एक जी कंक्लूजन पॉइंट दूं मैं। जी जी आगे राजीव जी, एक मेरा एक छोटा सा और सुझाव था जी। क्या क्या होता है सर कि हमारे देश के अंदर जो एमएसएमई की स्थिति है, जो एमएसएमई हायर ग्रेड मतलब माइक्रो और स्मॉल लेवल वाला है जी, ये जो मीडियम में चला जाता है उसमें तो क्षमतावान हो जाता है वो, उसके पास सिस्टम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जी, पर नीचे वाला जो माइक्रो और स्मॉल वाला होता है उसके पास ये सब चीज की उपलब्धता नहीं होती जी सर। अभी क्या होता है कि इस परिस्थिति में जो वित्तीय संस्था है, बैंक्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या मध्य प्रदेश के अंदर एमपीएफसी जैसा इंस्टीट्यूट बैठा हुआ है, आईडीबीआई जैसे बैंक्स हैं, बट इन लोगों का फोकस जो होता है वो एमएसएमई को फंड की अवेलेबिलिटी कराने के लिए जो नॉर्म्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं या 99.9% डिपेंड ऑन द कस्टमर एंड द मैनेजर रिलेशन पे बेस्ड रहते हैं। इसमें एक 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 यूनिफॉर्मिटी यदि आ जाए और केंद्र सरकार का कुछ इसमें दबाव आ जाए कि आपको अभी इन एमएसएमई को फंडिंग्स करने के लिए, क्योंकि जब तक आर्थिक गतिविधि नहीं चालू होगी, अब एक आर्थिक गतिविधि चालू नहीं होगी तो आगे देश में बड़ी विषम परिस्थिति निर्मित हो जाएगी। वैसे भी देश का 29% भार जीडीपी का एमएसएमई के पास है, उसमें भी 45% जो है वो विश्व के व्यापार में एक्सपोर्ट के रूप में एमएसएमई करता है, तो जो ऊपर निकल जाता है वो तो उन सुविधाओं का उपभोग कर पाता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो 5 लाख से लेके 2 करोड़ तक की यूनिट लगती है स्थायी पूंजी निवेश में, उन लोगों को जो वित्त की अभी समस्या आएगी उनके अनुसार वित्त मिलना या वित्त की उपलब्धि करवाना ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। ये मेरा, जब तक ये नहीं होगा तो आर्थिक गतिविधियां नहीं डेवलप होगी, जब तक आर्थिक गतिविधि डेवलप नहीं होगी तो इकाई चालू नहीं हो पाएगी। यदि इस वक्त ये बूस्टिंग मिल गया तो शायद इस कोरोना जैसी विश्वव्यापी बीमारी से लड़के हम जीत तो जाएंगे और जीतने के साथ ये हम एक अपॉर्चुनिटी पकड़ेंगे और अपने आप को वापस स्थापित कर पाएंगे और बहुत अच्छा काम करके बहुत जल्दी जीडीपी को इम्प्रूवमेंट देने का प्रयास कर पाएंगे। जी जी, तो आज आज मेरी जी जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जी। अभी सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो रहेगा गवर्नमेंट के पास जो है कि जो लेबर वापस चली गई है उसको वापस लाना, और अभी जो नियम चल रहा है उस लेबर को 14 दिन पहले क्वारंटाइन में रखना, क्योंकि कोई भी कहीं भी किसी भी स्टेट से बाहर से आ रहा है उसको पहले 14 दिन क्वारंटाइन में रख रहे हैं, या कोई भी सिटी से आ रहा है, किसी भी छोटी जगह पे भी आ रहा है, छोटे गाँव में भी आ रहा है, तो उसको पहले क्वारंटाइन में रख रहे हैं। तो अभी सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहेगा कि ये लेबर को वापस लेके आना, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री में रोज पर डे 100 से 150 लोग काम करते हैं जी, उनको वापस लेके आना, फिर उसको क्वारंटाइन में रखेंगे, क्योंकि एक भी इफेक्टेड रहा तो पूरी इंडस्ट्री में फैलने का डर रहता है। बिल्कुल, तो पहले 14-15 दिन क्वारंटाइन रहेगा, फिर उसके बाद कहीं जाके काम शुरू हो पाएगा। तो इसको गवर्नमेंट कैसे ऐसे चैलेंज लेगी और कैसे उसको स्ट्रीमलाइन करेगी, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा सरकार। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम मान लें कि अगर 3 तारीख भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं भी उदित भैया की बात से सहमत हूँ, ये एक बड़ी भारी प्रैक्टिकल व्यवहारिक कठिनाई है कि आप बाहर की लेबर को लाके और कैसे काम करवा पाएंगे। पहले यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो बोलेगा कि उनको 14 दिन के लिए बंद करो जी,
और न जाने क्यों एक लेबर में क्वारंटीन को लेके बड़ा एक भय जैसा वातावरण है, उनको ऐसा लगता है कि हमको 14 दिन के लिए न जाने कौन सी सजा मिलने वाली है। जी बहुत ज्यादा वातावरण है। हमारे जो उद्योगपति है जो बात कर रहे हैं जी, ये तो लॉन्ग टर्म हो गया गवर्नमेंट को, लेकिन अभी तात्कालिक रूप से पूरे उद्योगों में जितना मिनिमम चार्ज बिजली का लग रहा है उसे तत्काल स्थगित किया जाना चाहिए, और वो एक दो महीने स्थगित करने से नहीं होगा, कम से कम एक साल तक मिनिमम चार्ज जो है वो हट जाना चाहिए, और आने वाले समय में विद्युत का मिनिमम चार्ज आधा करके जब भी उद्योग बचाए जा सकते हैं मध्य प्रदेश। जी धनजल साहब, पत्रिका बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, धनजल जी बिल्कुल सही बोल रहे साहब। ये जी धनजल जी, बिजली और तनख्वाह और ब्याज ये तीनों ही क्षेत्रों में रियायत मिलनी ही चाहिए, बिल्कुल हम सहमत हैं आपकी बात से। मेरा वही कहना है कि सबसे पहले बिजली में तो हमें मिले, तो उद्योग तो चालू रहने तो उद्योग ही बंद हो जाएंगे बिजली के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सारी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, एमपी गवर्नमेंट को छोड़ के सारी स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आ गए बिजली को लेकर, एमपी गवर्नमेंट की अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई। नहीं, महाराष्ट्र में वैसे कम है मिनिमम चार्ज, इसको भी देखिए ना जी। अभी तो चलो कोई नोटिफिकेशन तो दे सरकार, कुछ तो बोले, कुछ भी अभी मतलब सिर्फ मेल आ रहे हैं, आप पेमेंट डालिए, मार्च का बिल क्लियर करिए, मार्च का बिल क्लियर करिए, डेली बेसिस पे मेल आ रहा है। हाँ, बस यही आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो आज मार्च का बिल क्लियर कीजिए, अभी हमारा काम चला नहीं, एक महीने हम कैसे बिल दे देंगे, ये वाली बात जी। धनजल जी बहुत आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि पत्रिका के साथ आपने इतना समय निकाला और जो है हमने इस पे चर्चा की। तो आज कुल मिला के बातचीत जो रही उस पे ये सार निकला कि बाकी पूरे देश की तरह नर्मदापुरम के उद्योगपति व्यापार जगत ये मानता है कि सरकार को अगर जान के साथ जहान बचाना है तो सरकार को उद्योग जगत को बिजली में ब्याज में इस तरह की रियायत सिर्फ एक दो महीने नहीं आगे लगातार कई महीने तक देनी पड़ेगी जब तक उद्योग बिजली ब्याज और जो तनख्वाह देना पड़ेगी हमको बगैर काम के जी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि किसी भी एम्प्लॉय को डिसएम्प्लॉयड नहीं किया जाए, उनको तनख्वाह दी जाए, ये तीनों मुद्दों पे तत्काल राहत मिलना चाहिए। जी अग्रवाल जी, तो साहब आपने उद्योगपतियों के बारे में इतनी बड़ी बात कही है, आप आज पत्रिका के माध्यम से कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आदर से हम धन्यवाद देते हैं पत्रिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपकी आपकी उद्योग और व्यापार को लेकर समझ अच्छी है यार भैया, हमारा परिचय नहीं है आपसे, लेकिन आप इतनी चिंता करने वाले हमारे नए मित्र मिले हो जो वास्तविकता से मतलब निकट हो वास्तविकता के हम लोगों के दुखों के, और उस सबके लिए हम सबकी ओर से धन्यवाद आपको भी है। जी आप सभी लोगों का आभार, फिर हम लोग इसी तरह की चर्चा करेंगे फिर से कभी, ठीक है, शुक्रिया आप सभी का।